Om Namah Siddhebhya. Om Namah Siddhebhya. Om Sutatmane Namah. Namo Arihantan. Namo Sikaran. Namo Ayadhyanam. Namo Namo Loe Salvasa. इकट्ठे होकर हमने भी भगवान की पूजा की. कौन कौन सी पूजा की ये विचार हो रहे? देवगुरु शास्त्र. हाँ, देवगुरु शास्त्र की पंचमेरों की. हाँ, सोलह कारण. हाँ, और सोलह कारण दश लक्षण. दस लक्षण तो दस धर्म है ना? नहीं, धर्म के दस लक्षण. ये पंचमी का धर्म कौन सा है? संयम. पंचमी का धर्म पहला दिन. क्षमा. षष्ठी का धर्म? हाँ, मार्ग. और सप्तमी का धर्म? ये आत्मा के धर्म है. अष्टमी का धर्म? सत्य. सब एक एक दिन को एक एक धर्म बांट दिया, हमारे पास कुछ नहीं रहा. क्या कहा? एक पंचमी का धर्म है, एक षष्ठी का धर्म है. अरे ये तो सारे हमारे हैं. और धर्म दश नहीं है. क्या कहा? धर्म दश नहीं है. धर्म तो एक ही है और वीतराग भाव वही धर्म है. उसके दस अलग अलग पद्धति से लक्षणों से वर्णन किया. जैसे कोई हीरा है उसके पहलू होते हैं, ऐसे ये जो धर्म है, वीतराग भाव है, आत्मा का स्वभाव है, वो जब पर्याय में प्रकट होता है तो उसको दस अलग अलग लक्षणों से बताया. वीतराग यानी राग निकल गया है, द्वेष निकल गया है, तो क्या रहा है? कषाय स्वभाव रह गया है. तो क्रोध निकल गया है तो जीव में कुछ पॉजिटिव है कि सब निगेटिव ही है? क्रोध गया, मान गया, माया गया. क्योंकि हमने देखा ना, शरीर मैं नहीं हूँ, राग मैं नहीं हूँ, तो मैं कुछ हूँ क्या? जीरो हूँ. तो कहते क्रोध निकल गया तो आत्मा का क्या प्रकट हुआ? तो कहते क्षमा धर्म, क्षमा लक्षण प्रकट हुआ. मान निकल गया तो मार्दव जो धर्म है वो प्रकट हो जाता है. मायाचारी निकल गई तो आर्जव धर्म, जो आत्मा का स्वभाव है, वो प्रकट हो जाता है. ऐसे ही लोभ नष्ट हो गया तो कौन सा धर्म प्रकट हुआ? शौच धर्म प्रकट हुआ. ये जो सारे जो है दस अलग अलग लक्षणों की यहाँ चर्चा चल रही है. हम लगातार इनकी चर्चा करते आए हैं. अब ये दस लक्षण धर्म की उस चर्चा करने के पहले, ये अभी हमने जो पंचमेरु की पूजा की है ना, ये पंचमेरु क्या है? हाँ बहन जी, बहन जी को हम पंचमेरु क्या है? पांच मेरु है ना, पांच मेरु पर्वत है. और उसमें क्या है जहाँ जिनकी हमने पूजा की? हाँ, मंदिर है. कैसे? आप बैठ के बोलिए. हाँ, मंदिर है. किसने बनाए हैं? अकृत्रिम है, शाश्वत है. वो तो शाश्वत है. और पूजा करने वाला मैं, हम शाश्वत है कि नहीं है, ये नक्की करना पड़ेगा. वो तो अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं है. शाश्वत का अर्थ होता है अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे. और मैं तो मनुष्य हूँ, 60, 65, 100 साल जीने वाला हूँ, ऐसा हमने मान लिया है. मैं भी शाश्वत हूँ, मैं भी अकृत्रिम हूँ, मैं उत्पन्न नहीं हुआ, कृत्रिम नहीं हूँ, बनाया हुआ नहीं, मैं तो हूँ अनादि काल से है और है. तो हम स्वयं शाश्वत है. और यहाँ तो जो जिन चैत्यालय है, जिनेन्द्र भगवान के जो चैत्यालय है, उसमें जो मूर्तियां हैं, प्रतिमा जी है, उनकी हमने पूजन की. कितनी कितने मंदिरों की पूजन की बहन? पांच मेरु होते हैं. और मंदिर कितने होते हैं? अस्सी अस्सी अशीति कहा ना, यानी 80 चैत्यालय.
और कितने मूर्तियों के हमने जिन प्रतिमाओं कितनों की वंदना की। हाँ बोलो, 52 तो नंदीश्वर की है, 80 जिन चैत्यालय थे उसमें मूर्ति कितनी है, 4 उड़ीसा में एक एक मंदिर होता है। देखो ये जो वन है ना, वहाँ भद्रसाल है, सोमनस है, पांडोक है, और ऊपर का बीच में नंदन वन भी है, तो इनमें तो 4 दिशाओं में 4-4 है, तो ये जो 4-4 है तो एक मेरु में कितने हुए, 16 हुआ, 4 × 16, 5 मेरु में कितने हुए, 16×5=80। तो उसमें हमने कितने मूर्तियों की पूजा की, हम सब अभी पूजा करके बैठे हैं, और आपको एक एक मूर्ति की पूजा करने के संबंध में अभी एक एक डॉलर मिलेगा। तो अभी हिसाब लगाओ, जो अधिक से अधिक कहेगा उसको अधिक से अधिक मिल जाए। कितने प्रतिमाओं की कितनी पूजा की, 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मालूम ही नहीं हमको। एक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमा जी है, पद्मासन वाली है और 500 धनुष वाली है, और अकृत्रिम है, कहे से बनी है, रत्नमयी है, रत्न जड़ित नहीं है, क्या कहा, रत्न जड़ित अलग है और रत्नमयी अलग है, रत्नों में ही निर्मित है, जैसे संगमरमर में बनी है वैसे वो रत्नों से ही बनी है, अपने आप किसी ने बनाई नहीं है। रत्न जड़ित होता है ऊपर से, हम जो जड़ते हैं उसको रत्न जड़ित कहते हैं, और रत्नमयी यानी वो रत्नों से ही बनी हुई है। ऐसे हर एक मंदिर में, हर एक चैत्यालय में 108 है, तो 108×80 करो भाई। हाँ देख लिया ना, बोलो। हाँ चलेगा 8640। हाँ, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने देख के बताया। देखो पूजा भी करते हैं ना, वो भावपूर्ण, वो उसका यदि उसके वो पंच मेरु संबंधी, वो आपने सुनिए ना भूगोल, तो देखो जब हम पंच मेरु हो, नंदीश्वर हो या कहीं भी है, पूजा में क्या लिखा है उसका भाव यदि ख्याल में आता है और हम अर्घ चढ़ाते तो देखो कितनी मजा आएगी, कितना आनंद होगा। हमें पता नहीं ना, हमने मंदिरों के नाम तो लिए, वहाँ क्या है क्या कुछ पता नहीं हमको, कितनी बड़ी मूर्तियां कैसे है कहाँ स्थित है, ये तो भावों से भी हम यहाँ बैठ कर भी भाव से नमस्कार करते हैं, परंतु उसका भाव भाषित होगा तो यहाँ आनंद होगा, यहाँ हमें उतनी भक्ति उत्पन्न होगी। अब हम ये पंचमेरु की तो बात गौण करते हैं, यहाँ हम आज का जो आज का धर्म है ना, अपने आत्मा का धर्म, जिस लक्षण की आज चर्चा हो रही, अभी तक हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य और शौच, इन पांचों की तो चर्चा की है। ये क्या है, उत्तम शब्द लगा है, मुनिराजों की जो अत्यंत वितरागता है उनका कषाय, उनका बहुत सारा अभाव हो गया है। जैसे कषाय 4 प्रकार के बताए जाते हैं, क्रोधमान माया तो है ही है, परंतु उसके जाति अलग अलग है, अनंतानुबंधिक, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयोजन। मिथ्या दृष्टि को तो 4 प्रकार है, ये चौकट यानी इसमें क्रोधमान माया लोग सब लेने, जब समय दर्शन होता है तो मिथ्यात्व के साथ साथ एक कषाय चौकड़ी भी चली जाती है। जब और आत्मा में स्थिरता होती है तो पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रती श्रावक है तो उसके और एक कषाय चौकड़ी गई, उसकी वितरागता और बढ़ी। अब मुनिराज है तो उसमें और अंतरंग में स्थिरता होती है तो एक कषाय चौकड़ी और चली गई, तो उनके एकमात्र इतने ही कषाय मंद ऐसे संज्वलन कषाय बाकी रहते हैं और उनकी इतनी शुद्धि बढ़ गई है, तो उनमें इतनी वितरागता बढ़ गई है तो उनकी अपेक्षा क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये जो उनके धर्म प्रकट हुए हैं, लक्षण प्रकट हुए धर्म के, वितरागता जो बढ़ गई है प्रचुर मात्रा में, तो उसको कहते हैं उत्तम। उत्तम शब्द उनकी अपेक्षा से बताते हैं। जो समय दृष्टि है उसके भी ये तो प्रकट होते हैं परंतु उसकी मात्रा, उसका प्रमाण अधिक कम है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मुनियों की अपेक्षा से मुख्यता से बात, तो हमने देखो क्रोध में हम केवल बाहर गुस्सा करने को ही क्रोध समझते हैं, परंतु अपनी आत्मा संबंधी अरुचि यही क्रोध है।
मैं मुख्य नहीं है, आत्मा है कि नहीं क्या पता, आप आत्मा फात्मा तो दिन भर करते हो, ये कहाँ आत्मा दिखाओ। हमने अपने आप का प्रेजेंस, अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं माना है, तो हमने अपनी यानी आत्मा की हिंसा की। यहाँ तो पर की हिंसा से तो हम बचते हैं, यानी कहते दया धर्म का मूल है, और ये पर दया तो हम बहुत अच्छी तरह से पालते हैं, परंतु आज तक इस जीव ने स्व दया का पालन ही नहीं किया, स्व को स्वीकारा ही नहीं, तो उसने उसकी हिंसा कर दी, आत्मघात कर दिया, आत्महत्या, सुइसाइड किया। यहाँ सुइसाइड करते तो उसको तो अपराध है क्या, क्या नहीं अपराध है, यहाँ क्या है, क्या है अपराध है? और हम ये सुइसाइड कब से कर रहे हैं, अनादि से, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, तो उसने अभी तक दया पाली ही नहीं, क्योंकि दया तो स्व से शुरू होती है, स्व दया करने वाले को पर दया सहज पलती है। पर हम तो मानते हैं कि हमने इसको नहीं मारा, उसको नहीं मारा, हमने ये नहीं खाया, वो नहीं किया, तो हमने दया पाली, पर हम सच्चे जैनी हैं। तो कहते ये स्व से शुरू होती है। अपने आचार्य अमृत चंद्र ने तो कहा है, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होती है, राग यानी राग द्वेष, पुण्य पाप सभी, यानी एक विराग भाव ही अहिंसा है, वही परम अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है, और फिर उसमें जो पुण्य पाप के भाव उत्पन्न होते हैं वो भी भाव भाव है, अभी उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु जब हम आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो ये भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, शुद्ध भाव यानी वितराग भाव प्रकट होता है, तब हम कहेंगे ये आत्मा का धर्म प्रकट हुआ। हम धर्म करना तो चाहते हैं, बचपन में भी हम क्या करते थे, 10 दिन मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, शाम को भी वो कुछ किसी का प्रवचन कुछ तो होता था तो वहां बैठकर सुनते भी थे, कभी यात्रा करते थे, और हम अपने को बहुत धार्मिक मानते थे। परंतु जब तक अपना स्वरूप ख्याल में नहीं आता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तत्व का निर्णय नहीं होता है, तब तक ये क्रियाओं का कुछ फल तो मिलेगा, पुण्य बंधेगा, परंतु पुण्य बंधेगा तो क्या होगा, ये तो यहाँ लिखता है, लिखते हैं वो तो फिर एक इंद्रिय में चला जाएगा, देव भी जब बात आई थी आज पूजा में, देव एक इंद्रिय भयो, उसकी बात करेंगे अभी। तो ये जो है आत्मा का स्वभाव है, उसको पहचान कर उसी को जानते रहेंगे तो जैसा स्वभाव है वैसे पर्याय में नहीं अवस्था में प्रकट होता है, और ऐसे हमारी अवस्था होती है तभी धर्म की शुरुआत होती है। हम धर्म करना तो चाहते हैं परंतु धर्म क्या है हमें पता नहीं है। ये शरीर भिन्न है और मैं स्वयं आत्मा भिन्न हूँ, परंतु शरीर की क्रिया करके हमने धर्म किया ऐसा मान लेते हैं। धर्म जीव की पर्याय है, जीव की अवस्था है, तो जीव में प्रकट होती है और वो तत्व निर्णय ज्ञान उसमें चलता है। अब उसमें हम धर्मों की चर्चा करते हुए आज जो उत्तम संयम धर्म है उसकी बात हम यहाँ देखते हैं। आपने अभी जो पूजा पढ़ी ना, आपके हाथ में ये पुस्तकें भी होगी, तो उसमें पेज नंबर 56 कुछ पुस्तकें होगी तो ले लेना, 2-3 में किसी की पूजा याद है उनके हाथ में कोई होगी तो पीछे दे देना, मैं इसको पढ़ती हूँ। देखो, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरता है। क्या कहते हैं, क्या शब्द है, काय छहो प्रतिपाल, छहो काय का पालन करो यानी उनकी रक्षा करो। ये छह काय क्या है भाई, आप बताना छह काय क्या है? यहाँ लिखा ना काय छहो प्रतिपाल, हम छह काय का प्रतिपालन करना चाहते हैं, तो ये छह काय क्या होते हैं, पीछे यहाँ कोई भाइयों में से बताएंगे छह काय क्या होते हैं? हाँ हाँ, आप बोलिए भाई, छह काय क्या आपको मालूम है, छह काय क्या होते हैं? नहीं मालूम है तो हम कैसे प्रतिपालन करेंगे? हाँ पीछे, हाँ बोलिए, नहीं मालूम है आपको, मालूम है आपको, मालूम है? हाँ हमारी बहन जी बोल, हाँ देखिए छह काय किसको कहते हैं, देखो जो जीव है ना संसारी जीव, सिद्ध तो शरीर रहित है, और ये जो संसारी है उसके मुख्य दो भेद है आपने शायद सुने होंगे, त्रस और स्थावर। स्थावर
स्थावर किसको कहना, तो एक इंद्रिय को कहेंगे स्थावर। और त्रस्त किसको कहेंगे, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रियों को कहेंगे त्रस जीव। त्रस इंद्रियादि त्रस है, एक इंद्रियादि स्थावर है। एक इंद्रियों के पांच टाइप है, उनका शरीर अलग अलग टाइप का होता है। तो शरीर की अपेक्षा पृथ्वी यानी जमीन है, मिट्टी है, रेत है, हीरा है, माणिक है, कोई जो खदान में मिलने वाले धातु है, ये क्या है, वही उनका शरीर है। उसको कहते हैं पृथ्वी कायिक जीव, काया यानी शरीर। पृथ्वी ही जिनकी काया है उसको कहते हैं पृथ्वी कायिक जीव या पृथ्वी काय, शॉर्ट में बताते हैं। जल काय किसको कहेंगे, अभी जल ही जिनकी काया है, जल में रहने वाले जीव अलग, उसको क्या कहते हैं, जलचर। जलचर अलग बात है, जो मछली है, कछुए है, जो कुछ है वो जल में रहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, वो तो त्रस जीव है। यहाँ जल ही जिनकी काया है, जल इटसेल्फ, वो जल का एक जीव है। फिर अग्नि, अग्नि स्वयं जीव है, अग्नि ही जिनका शरीर है वो अग्नि का एक जीव है। फिर कौन है, वायु ही जिनका शरीर है वो, ये सारे एक इंद्रिय जीव है। उनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, ज्ञान अत्यंत अल्प है उनका, यह है वायु कायिक। और पांचवा कौन सा है, वनस्पति कायिक, वनस्पति ही जिनकी काया है, हमें जो दिखाई दे रही है वो तो उनका शरीर है, उसमें रहने वाला जीव है, वो भी ज्ञान दर्शन वाला हमारे जैसा जीव है। अब क्या करें, ऐसे कोई परिणाम उन्होंने खोटे किए कि उन पर्यायों में जन्म धारण किया है। हमें जो अग्नि दिखाई देती है एक चिंगारी, उसमें तो असंख्यात जीवों के शरीर वहां इकट्ठे हैं, क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटा होता है और वो सब इकट्ठे रहते हैं, तो वो हमें वो फायर या कोई लौ जैसी दिखाई देती है। तो ये सारे हो गए स्थावर काय जीव। कौन कौन से रिपीट करेंगे अभी कोई पीछे, छह काय के हमको नाम देखते हैं। पृथ्वी काय आप रिपीट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि कोई उत्तर नहीं दे रहा है ना। पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, हाँ, जल काय, जल काय, अग्नि काय, अग्नि काय, वायु काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति, और छठा है त्रस काय, त्रस काय। तो आप कौन हो, त्रस काय। अरिहंत भगवान त्रस, बहुत हवा धीमी हो गई। हाँ अरे तो भगवान को क्या कहेंगे बहन जी, त्रस थोड़े ना, हाँ हाँ, तो क्या है वो, त्रस थोड़े ही हो, हाँ। देखो देखो हमको, हम जिनकी पूजा करते हैं उनका स्वरूप तो ख्याल में लेना पड़ेगा। तो अरिहंत भगवान त्रस थोड़े ना, तो क्या है, सावर है, तो ही नहीं सकते। हाँ बोलो, शरीर है इसलिए त्रस का है, शरीर है इसलिए त्रस का है। देखो उनके त्रस नाम कर्म का उदय है कब तक, चौदहवें गुण स्थान तक, यानी अरिहंत भगवान भी त्रस जीव है, वो संगी पंचेंद्रिय है, समझ में आया ना, हमारे जैसे मनुष्य गति के जीव है। तो ये छह काय जो बताए हैं, प्रश्न क्या है, काय छवो प्रतिपाद, यानी ये हमें उपदेश दे रहे हैं कि छह काय जीवों का प्रतिपाल करो यानी रक्षा करो। तो छह काय में हम आए कि नहीं आए, तो अपनी रक्षा करना कि नहीं करना। तो हम दुखी हो रहे अनादि से, जन्म मरण कर रहे हैं, और इन छह कायों में घूम रहे हो। अभी मनुष्य काय यानी अभी हम त्रस काय में आ गए हैं, परंतु ये त्रस काय बहुत लंबे काल तक त्रस 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 बनता रहे तो भी वो तो अनलिमिटेड नहीं है, उसका लिमिटेड काल। फिर क्या होगा, एक इंद्रिय में चला जाएगा, एक इंद्रिय में अनंत 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 काल, उसमें से बाहर निकालने का मौका नहीं आता है। ये अत्यंत दुर्लभ में दुर्लभ ऐसा कोई परिणाम होता है तो जीव द्विंद्रिय पर्याय प्राप्त करता है, फिर उससे दुर्लभ है तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेंद्रिय, असंगी में से संगी में आना भी आया तो भी कोई तीन इंच में जन्म लेगा। मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ में दुर्लभ बात है, और उसमें भी मनुष्य हुआ तो अच्छे कुल में जन्म लिया। अभी जिनागम यानी जैन धर्म का कुछ उसके पता चला, उसका उपदेश सुना उसने,
तो ये अत्यंत दुर्लभ में दुर्लभ बात आज हमें उपलब्ध है, परंतु अभी हमें पूर्व भोग का कुछ याद नहीं है ना, कहाँ कहाँ एक इंद्रियों में घूम कर आए। यहाँ लिखा था देखो, ये जो है ना 55 पेज पर मार्दो धर्म में बताया था, बस्यो निगोद माहिते आया। ये निगोद क्या है? तो वनस्पति काय है। वनस्पति काय में एक टाइप ऐसा होता है कि शरीर तो एक और जीव अनंत, अनंत जीवों में एक कॉमन बॉडी, वो एक साथ जन्म लेते एक साथ मरते, यानी कोई मान लेते ये निगोद का शरीर हो, इतना बड़ा नहीं होता, अत्यंत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता, तो मान लेते ये एक निगोद शरीर है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ तो हमेशा तो जीव रहते ही रहते हैं, परंतु एट ए टाइम एक अनंत का लॉट इसमें जन्म लेता है, एट ए टाइम कहीं कहीं अन्य अन्य पर्याय में से एक साथ जन्म लेते हैं। अब अपना वहां जो कुछ काल है उतना रहकर, कितना काल है, बहुत छोटा काल है, एक श्वास में 18 बार, तो अपनी आयु पूर्ण करके एक साथ मर जाते हैं। हर समय नया नए नई नई बैच आती है, जैसे हमारे स्कूल में 10 स्टैंडर्ड है अलग अलग, और उसमें क्या होता है हर साल नई एक बैच आती है, मान लेते 100 बच्चों की, और अपने अपने 10 साल रहकर एक एक लॉट उसमें से चला जाता है, हर साल नए नए आते हैं ना, और स्कूल कितने साल तक बना रहता है, अरे सालों तक चलता रहता है। ऐसे ही ये निगोद शरीर तो कायम बना रहता है वहां पर बहुत 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 सालों तक, और क्या होता है हर समय नई बात, हर समय नए जीव उत्पन्न होते रहते और वहां चलते जाते, इसको कहेंगे निगोद। मालूम है कोई निगोद कहाँ रहते मालूम है, कोई एग्जाम्पल, कंदमूल पटेटा फेवरेट सबका, आलू है, प्याज है, लसन है, और कहाँ रहते है जो कंदमूल नहीं है, ऊपर है जमीन के ऊपर, ऐसे कोई बात मालूम है जो सबका फेवरेट हो रहा है आजकल, थॉर एलोवेरा, सुन लो सब लेडीज, एलोवेरा निगोद से भरा है, अभी उसका वो उसके क्या लिक्विड पीते हैं, और फिर सोप आता है, उसका शैम्पू आता है, क्या नहीं आता है। तो ये देखो, बस्यो निगोद माहिते आया, हम उस पर्याय में रहे अनंत काल तक, दमरी रूपन वाग बिकाया। अब बहन अभी आपको इसको अर्थ समझाना है, हमारी बहन ये पूजा बहुत अच्छी करती है, दमरी रूकन भाग बिकाया उसका अर्थ क्या है, आपको मालूम है, नहीं तो नहीं बोलना, उसमें क्या है, बस्यो निगोद माहिते आया दमरी रूकन भाग, हम रोज गा रहे अभी कई 5-6 साल दिन से, हम बचपन से गा रहे हो बात अलग, परंतु अभी तो 6 दिन से गा रहे हैं ना, कौन बताना चाहता है इसका अर्थ, दमरी रूकन भाग बिकाया। ये सब्जी लेने जाते हैं ना इंडिया में, तो क्या होता है सब्जी लेते हैं और फिर वो मूली होती है ना, मूली वगैरह, तो ऐसे फोकट में देते हैं, दमड़ी दमड़ी समझते है? वो पहले के जमाने एक पैसे के 3 आते थे, उसको तो दमड़ी कहते, दमड़ी रोने दमड़ी के मोल पर 1 सेंट समझ, अभी वो भी उसमें भी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि उतने में यानी बिना मोल का बिक गया, ये बिना मोल का दमड़ी 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 मोल है ना, कौड़ी मोल जिसको कहते हैं, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही वो बिक गया है, यानी उसकी क्या वैल्यू है। तो उस पर्याय में भी हमने जन्म लिया था, रूकन बिगाया भाग बिकाया भागवशते, ये अपने भाग्य के कारण, कौन सा भाग्य, भाग्य ने कर्म, कौन सा कर्म जिसने अपने परिणामों से बांधा था, इस कारण उस पर्याय में जन्म लिया, कभी कभी क्या हुआ, कभी कभी वो उसमें से बाहर आया, मनुष्य हुआ, अभी मनुष्यों में हमने भगवान की बहुत गा गाकर भक्ति की, फिर क्या हुआ देव हुआ, देव में क्या हुआ, विषयों की इतनी विपुलता है वहां पर, ये सारे भोग उपलब्ध है और इसकी इच्छा बहुत है, इसको भोगू उसको भोगू उसको भोगू, फिर क्या हुआ एक इंद्रिय संबंधी आयु बांधी, देव एक इंद्रिय भया, कभी क्या हुआ उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूख कीड़ों में गया,
कभी राजा भी हुआ और वो कीड़े में, वो उस दिन कथा बताई थी ना, विष्ठा में जन्म लिया उस राजा ने, और अपने पुत्रों को बताया था, मुनिराज ने बताया है, वो विष्ठा का कीड़ा ढूंढ कर उसको मार दो, क्योंकि मैं उसका मेरा जीव वहां जन्म लेने वाला, पर जहां जन्म लिया उसको अच्छा लगता है वहां पर, तो वो कहां मरना चाहता था वहां पर। ये ऐसी ऐसी पर्याय हमने प्राप्त की थी, यही यहाँ बता रहे के काय छह प्रतिपाल, ये छह कायों में हमने बहुत 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 बार जन्म लिया है, तो इनका प्रतिपाल करो, रक्षा करो। क्यों? जैसे हम जीव है, ज्ञाता दुष्टा है, इन सभी पर्यायों में जीव रहते हैं, तो इनका रक्षण करने का भाव सहज आता है। जीव को यदि ऐसे कोमल परिणाम नहीं है, यदि उसके निष्ठुर परिणाम है कि मैं चाहे जैसा करूं, कोई जीव का कुछ हत्या हो तो भी कुछ नहीं, तो उसको कहते ये पत्थर हृदय वाला है। जैसे हमें बीज बोना है तो मिट्टी में वो बीज बोया जाता है, तब उसमें वहां वृक्ष उगता है। ऐसे ही जिसके परिणाम कोमल है, उसको ये जिनवानी रूपी अमृत, उसका उपदेश सुनने को अच्छा भी लगेगा और वो उपदेश सुनकर अपना कल्याण कर सकेगा। जिसके परिणामों में अभी कठोरता है, उसको जैसे पत्थर के ऊपर बीज डालते हैं तो सूख जाएगा, जल जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, पांच इंद्रिया और एक मन, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, जानते हैं हम, पांचों इंद्रिया और मन के द्वारा तो जानने का कार्य करते हैं, परंतु हमने क्या किया, इनके द्वारा इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, यानी उसमें हम रुचि वाले होकर उसी को जानते रहे, और उसमें से जो जान रहे हैं उसको मैं भोगता हूं, ऐसा इसने मान लिया। जीव ने आज तक जानने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, वो मानता है ये परद्रव्य को मैं करता हूं और उसका मैं भोग लेता हूं। इसलिए अधिक धन कमाकर हमारे पांचों इंद्रियों संबंधी जो कुछ हमारी इच्छा तो हो रही हो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताए, विषय की इच्छा, विषय ग्रहण की इच्छा, ग्रहण यानी जानना, विषयों को जानने की इच्छा, मैं ये देखू, वो देखू, वो देखू, क्या देखू, आज तो अभी अमेरिका देख लिया, अभी मैं कहाँ जाऊ, चाइना जाऊ, कंबोडिया जाऊ, और कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड जाओ, कश्मीर जाओ, इसको देखो, हाँ, चांद पर जाना है, अच्छा, इसको जानो, उसको जानो, ये देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, कि ये राग सुनना है, वो संगीत सुनना है, ऐसे हर एक इंद्रिय में लगा है। ये इंद्रियों के द्वारा जानने की जो तीव्र इच्छा है, वो इच्छा है, वो इच्छा दुख है। डॉक्टर के पास कौन जाता है, दुखी है, बीमार है, वो अपनी पीड़ा सहन नहीं होती तो इलाज करने के लिए जाता है। ऐसे ही ये जीव विषयों के तरफ क्यों दौड़ता है, तो उसके जो तीव्र दुखी है, वो उसकी जो इच्छा है ना, इसको जानो, उसको जानो, ये आकुलता है, यानी वो दुखी है। हम क्या समझते हैं, हम चाहे जिस विषय को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे जहां जा सकते हैं वहां जा सकते हैं, जो खाना है वो खाते हैं, जिसको जो कोई सभी हमें भूख लगता है, हमारे पास बहुत सारी साधन उपलब्ध है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो जो चाहे ने जिसकी इच्छा करे वो कर सकते हैं, तो हम इच्छा से दुखी है। हम परद्रव्यों की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम दुखी है, सुख तो यहाँ पर है और हम परद्रव्यों में से लेना चाहते हैं। तो जो हमारे सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, मुनिराज है, उन्होंने तो आत्मा में से सुख आता है उसका तो अनुभव लिया है, और बारंबार आत्मा में लीन होकर वो वहां से आनंद को उपभोगते हैं, तो उनके बाह्य विषयों में, बाह्य पदार्थों में सुख भासित ही नहीं होता, वो सब नीरस लगते हैं, क्योंकि जहां से आनंद आ रहा है वहां बार बार जाएंगे, उपयोग वहां चला जाएगा, कि वो बाहर कुछ है ही नहीं है तो उसमें चला जाएगा। तो कहते उनके पांचों इंद्रिया और मन संबंधी बाह्य पदार्थों के बारे में कोई रस नहीं रहा है, बारंबार अपने आत्मा में लीन होते हैं, तो कहते हैं पंचेंद्रिय और मन को उन्होंने वश किया। हम वश करना है क्या, इच्छा तो बहुत हो रही है, अभी दबा देना है, उसको हम समझते हैं कि हमने पंचेंद्रियों को वश किया, वो वश नहीं होता, इच्छा तो हो रही है बहुत, परंतु क्या करें, आज कौन सा धर्म है,
संयम का है। तो हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसे हम ऊपर से रोक लगाते हैं, वो सच्चा धर्म नहीं है। ये इच्छाएं ही उत्पन्न नहीं होना, ये धर्म है, वो संयम है। तो ये संयम मूल में दो प्रकार के होते हैं। यहाँ बताइए, अभी हमने जो एक वाक्य पढ़ा ना, काय छहो प्रतिपान पंचेंद्री मन वशकरो, इसमें 12 प्रकार के संयम बताए, मुख्य दो भेद है, कौन बताएंगे? हाँ, आपको नहीं, अभी फर्स्ट रो को अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट है ना पीछे के, उसमें से कोई हम उत्तर चाहते हैं, हम किसी की परीक्षा नहीं ले रहे हैं। अभी हम यानी हम इस पर गौर करना चाहते हैं कि हम जो पूजा भी पढ़ते हैं उसमें सारा तत्व ज्ञान भरा है, हमें उसमें से थोड़ा निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो इसमें दो प्रकार के संयम, 12 है, उसमें हम मूल दो प्रकार में डिवाइड करेंगे, दो सब डिविजन। कौन बताना चाहता है यहाँ से? हाँ हाँ, अनुव्रत और महाव्रत। आप बहन क्या कहते हैं? हाँ हाँ, अंतरंग और बहिरंग। संयम के भेद हमको चाहिए। संयम कितने प्रकार का है? तो यहाँ कहते हैं मूल दो भेद है, और उसमें भी हम और 6-6 भेद करेंगे दोनों में, और ये हमने पढ़ा है उसमें से हम बताने वाले। आप कहेंगे भाई? नहीं, कौन बताना चाहता है? चारों दिन आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? हाँ, जय प्रकाश जी, जय प्रकाश जी। हाँ हाँ, बोल रही है, बोलो। हाँ, इंद्रिय संयम, और दूसरा? देखो आगे लिखा है ना, प्राणी संयम। देखो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी यानी अभी हमने देखे 6 काय के जीव, ये प्राणी है ना सारे, तो उन संबंधी जो संयम है, उनके रक्षा का जो परिणाम है, उसको कहते हैं प्राणी संयम। यानी एक इंद्रिय संबंधी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जो सब है, यानी उसमें से हमने देखा ना, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय को तो हमने त्रस कह दिया, एक इंद्रियों के 5 भेद किए, तो ये 6 काय जीवों की रक्षा का परिणाम, उसको कहते हैं प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम भी 6 प्रकार का है। कौन से? अभी आसान है ना, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और मन। इन संबंधी यानी उसकी कुछ रुचि नहीं रहना, उसको मन वश करना, यानी क्या, कंट्रोल करना। ये तो कंट्रोल करने भाषा है, क्योंकि हमें शास्त्र पढ़ना नहीं आता, इनकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होता, उसको हम कहेंगे वश में रखा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है ना, तप से निर्जरा होती है, और तप क्या होता है, इच्छा निरोधस्तप। तो हम इच्छा को दबाना चाहते हैं, तो हमने तप किया, ऐसा लगता है। क्या करें, आज उपवास लिया है, और वो घर में कुछ अच्छे अच्छे पकौड़े बन रहे हैं, आज नहीं होता तो खा लेते हम। इच्छा को ऐसा रोकना, उसको तप नहीं कहते। उत्पन्न नहीं होना, उसको कहेंगे नाश होना। ये क्रोध उत्पन्न ही नहीं होना, उसको कहेंगे वो क्षमा लेना है। वैसे ही जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इसकी बात है। कहते संयम रतन संभाल, ये रत्न है, संयम रूपी रत्न है, उसकी संभाल करो। हमारे पास कोई रत्न पड़े है, कहाँ रख देते है? कहीं भी ड्रॉअर में कहीं रख दिया, बहुत कीमती हीरे हैं, लॉकर में। अच्छा, अभी हम घरों में भी नहीं रखते, क्योंकि हमारे घर भी ऐसे हैं, तो उसको लॉकर में सेफ रखते हैं। यही कहते संयम रतन संभाल, क्यों? विषय चोर बहु फिरत है, विषय रूपी चोर बहुत, यानी हमारा ही बार बार विषयों में मन जाता है, ये विषय को चोर कह दिया। तो ये चोरों से ये रत्न की संभाल करो, यानी अपने आप संयम पालो, ये बात बताना चाहते। कहते उत्तम संयम गहु मन मेरे भव भव के भाजे अग तेरे, अग यानी पाप, भवो भवों के जो पाप है वो उत्तम संयम धर्म पालन करने से। देखो संयम शब्द लिखा है, मात्र कोई बाह्य से व्रत अंगीकार करने को संयम नहीं कहा, ये बात उस दिन आई थी ना यहाँ, उसको यम कहते हैं, नियम कहते हैं, उसको द्रव्य यम कहते हैं, परंतु संयम कब कहेंगे? कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रत अंगीकार करते हैं उसको कहते हैं संयम। तो
तो कहते उत्तम संयम, यानी मुनिराज के योग्य जो उत्तम संयम धर्म है वो प्रकट करो का अर्थ क्या है, वीतरागता प्रकट करो, आत्मा का अनुभव करो। भव भव के भाजे अगते भवों भवों तक करोड़ों, क्योंकि सागरों तक हमने जो कुछ कर्म बांधे है उसके वो कर्म बांधे हुए कर्म सत्ता में पड़े है, और किस कर्म का कैसा उदय आएगा कोई कह नहीं सकता है। तो ये जो पाप रूपी कर्म कभी ना कभी बांधे है संयम के कारण, वीतरागता के कारण पूर्व में बंधे हुए पाप भी संक्रमित होते ट्रांसफॉर्म होते पुण्य रूप हो जाते, उसका अनुभव यानी फल देने की शक्ति कम होती। ये पूरी कर्म की थ्योरी भी हम पढ़ेंगे ना, तो इतना हमें पता चलता है एहसास होता है मात्र तत्व विचार करने से कितने ही कर्मों की शक्तिहीन हो जाती है, किसकी पाप कर्मों की, और पुण्य कर्मों की अनंत गुणी बढ़ती है। ये पंचलब्धि आपने पढ़ी ना, ये तो समय दर्शन प्राप्त होने के समय की बात है, यहाँ तो संयम की बात करते हैं। संयम का अर्थ है आत्मस्थिरता जितनी बढ़ेगी उतने पूर्व के बंधे हुए कर्म कितने तो निर्जरा रूप खींच जाते हैं, और अशुभ कर्मों का अनुभाग यानी फल देने की शक्ति अत्यंत हीन हो जाती है, और पुण्य कर्म जो बांधे थे उसकी शक्ति बढ़ जाती है, कितना ही अशुभ कर्म ट्रांसफॉर्म होता है पुण्य रूप हो जाता है अपने आप। हमारे में कथा आती है ना, वो अंजन चोर की कथा होती है, अन्य किसी की होती है, अरे इतना पापी जीव तो पाप करते करते मोक्ष गया क्या? तो कहते उन्होंने समय दर्शन प्राप्त किया, संयम धारण किया, मुनिराज हुए और उनके सारे पाप कर्म भी ट्रांसफर हो गए, उनमें भी यथा योग्य सब उसका अनुभव भी कम हो गया। तो अभी हमें क्या लगता है, हम तो बहुत पापी है, क्या करें, अभी हमारे क्या है, हमारी उम्र चली गई, अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिस समय हम इस तत्व को सुनते हैं, तत्व का निर्णय करते हैं, उस समय से अपना मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। तो कहते सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरण करन सुख ठाई। एक कौन सी बात है कि जो स्वर्गों में भी नहीं है, अभी यहाँ पुरुषों में से उत्तर मिलेगा पीछे मुझे, जो स्वर्गों में भी नहीं है, नरक में भी नहीं है और तिर्यंच में भी नहीं है, ऐसे किसकी बात फर्स्ट रोको नहीं है लड़ो अभी। नहीं जेपी साहब, आपने बहुत सारी सीरियल सुनी है, आपने कुछ सुना है ना, तो हम नए लोगों को शामिल करना चाहते हैं अपने इस, हम उनके टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम उनको विचार करने के लिए कुछ प्रवृत्त कर रहे हैं। बाकी जो कुछ क्विज होते हैं उसको तो हम बहुत सॉल्व करते हैं, उसमें तो मजा आती है ना, क्रॉसवर्ड सुडो तो हम यहाँ पूछ रहे हैं ऐसा क्या है जो स्वर्गों में नहीं है, जो नरक में नहीं है और जो तिर्यंचों में नहीं है। हाँ बोलिए भाई साहब आप। हाँ संयम, क्योंकि देखो ये जो छठा सातवां गुण स्थान है तब से ये संयम होता है, मुनियों के होता है, और जो छठा सातवां गुण स्थान है वो कौन से गति के जीवों में होता है या ऊपर के गुण स्थान मनुष्यों में होते हैं। तिर्यंच अधिक से अधिक कहाँ का पुरुषार्थ करता है, कितने उसके भी समय दर्शन हो सकता है। पांचवा गुण स्थान भी प्रकट होता है, और देवों में चौथा, देवों से भी तिर्यंच श्रेष्ठ है ना, पांच पांचवे गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है, देवों में चौथे तक ही और नारकियों में भी चौथे तक, यानी देव है नारकीय तिर्यंच समय दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु संयम यानी अधिक आत्मस्थिरता। संयम यानी केवल बाहर से वस्त्र उतार कर और विशिष्ट कैसा आहार करना कैसे चलना उसकी बात नहीं है, पर वो तो बाह्य क्रिया होती है, परंतु उतनी आत्मस्थिरता है, उतनी वीतरागता है, और ये जो योग्यता है वो मनुष्यों में होता है। आपने पंच कल्याण के सीन देखे होंगे ना कभी, क्या होता है वो इंद्र आते हैं पालकी उठाना चाहते हैं, जब वो तीर्थंकर का जीव भिक्षा लेने के लिए निकलता है तो देव पालकी वहां से लाते हैं स्वर्गों में से, और वो इंद्र फिर झगड़ने लगते हैं, अरे हमने पालकी लाई हम पहले उठाएंगे। तो मनुष्य कहते हैं अरे ये हम तो संयम धारण कर सकते आप नहीं कर सकते, तो ये अधिकार हमें है। तो इंद्र कहते हैं मेरी सारी विभूति ले लो, एक संयम के लिए एक मनुष्य भोग का एक समय मुझे दे दो। वो तरसता है मनुष्य भोग के लिए, और हम यहाँ तरस रहे हैं हमें स्वर्ग कैसा मिलेगा। क्योंकि हमने सोच रखा है कि वहां जाने पर बहुत सुख होगा, ये सारी कल्पनाएं होती जब तक वहां तक, ये ऐसा कहते हैं कहावत है पर्वत दूरतः रम्या, नहीं समझे
मराठी में कहते दुरुन डोंगर साधे क्या गुजराती में क्या कहते हैं ये सभी भाषाओं में मैंने जब तक वहां क्योंकि इंडिया में थे ना तो लगता है अमेरिका में बहुत सुख तो यहाँ आते तो यहाँ की जो कोई प्रॉब्लम्स है हर एक में होती है ना कुछ तो चलती रहती है तो यहाँ आने पर यहाँ की प्रॉब्लम समझ में आती है यहाँ आने वाले को क्या होता है यहाँ आने वाले को लगता है इंडिया चलो क्योंकि अभी तो धर्म की रुचि इतनी बढ़ गई अब कहते ये अब सब छोड़कर इंडिया आना चाहते धर्म ध्यान करना चाहते कितने लोग बताते कितने ही लोग कहाँ कहाँ गए तो कहते परंतु हम कहीं भी देखो नरक का नार्क के भी समय दर्शन प्राप्त कर सकते तो वो पहले नरक छोड़कर यहाँ आता होगा बाद में समय दर्शन होता होगा जहाँ कहीं रहता है जिसको आत्मा की तीव्र लगन लगी है उसको वहाँ वैसे उपदेश वाले निमित्त भी बन जाते हैं और उसको वैसा सब करने का मौका भी मिल जाता है उसके लिए कोई वहाँ रुकावट है ही नहीं है ये हमारी रुचि ही हमें मार्ग बना देती है ये कर्मों की भी थियोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें तो ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्था है बस जीव को रुचिपूर्वक अपनी आत्मा की पहले हम समझेंगे शास्त्र में से कि क्या अपना स्वरूप क्या है फिर उसको कैसे प्राप्त करना कि हम तो इतने बुद्धिशाली हैं कि आज आप विदेशों में आकर अपने स्वबल के ऊपर यहाँ टिके हो और जमे हो अच्छी तरह से तो यदि हम चाहते और ये सब ज्ञान में करना है और कुछ नहीं करना किसी क्रिया का नाम धर्म नहीं है क्रिया छोड़ने की बात नहीं चल रही है नहीं तो वो भी छोड़ा ये मराठी में कहावत है मुझे मराठी की बातें याद है आज तो सुगंध दशमी है ना क्या करते हैं धूप खेलते किसमें ऐसा मिट्टी का पॉट होता है ऊपर ऊपर भी ऐसे होते हैं और नीचे भी होता है देखा है नहीं उसको अंदर कहते हैं यानी वो ऐसी है कि ऊपर एक कटोरी जैसा और नीचे कटोरी जैसा और एक हैंडल होता है उसको पकड़ने के उसको मराठी में वो धूपायन या धूपाटना कहते तो मराठी में क्या कहे होता है ऐसे हम देखिए किसी को बच्चे को भेजा के जा बाजार से तेल लेके आ और उसको ये भी बताए घी भी लेके आ साथ तो लेके गया क्या लेके गया लाने के लिए वो धूपायन लेके गया तो दुकानदार ने बोला किसमें दे दू घी चलो डालो इसमें तो डाला आप कहते तेल कहाँ दूँ तो ये उल्टा किसमें दूँ तो फिर वो गिर गया तो फिर दोबारा वो तेल डाला वो भी तो ऐसे कहते हैं मराठी में तेल पण गेला तूप पण गेला हाथी धुपाटना यानी तेल भी गया घी भी गया और हाथ में वो धुपाटन रह गया वैसे हमारी परिस्थिति ना हो ये बात हाँ क्रिया भी छोड़कर चले जाएंगे कहाँ पाप में चले जाएंगे उसकी बात नहीं है यहाँ मान्यता की बात है जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ हमारे यहाँ इंडिया में यानी अपने यहाँ इंडिया में लड़की घर में पैदा होती है उसी दिन हम क्या कहते हैं ये पराया धन है तो छोड़ देते ना उसी दिन अरे नहीं अच्छी तरह से संभाल करते है उसको और ज्यादा निगरानी रखनी पड़ती है हाँ बहुत और फिर उसको बड़ी करेंगे उसको एजुकेशन देंगे वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी फिर उसको बाय बाय करेंगे पर हम तो नक्की कब किया ये मान्यता में लेना कहते ऐसे ही पुण्य कर रहे हैं उस समय क्या मान्यता में क्या लेना है ये छोड़ना है कब यथा समय कब आत्मा में स्थिर हो जाएंगे इसका भी लक्ष्य छोड़कर हमें आत्मा ने शुद्ध भाव प्रकट करना है परंतु ये नक्की कब करना वो छूटेगा तो जब अभी मुनियों के भी पुण्य हो रहे हैं मुनियों के भी शुभ लाभ है कि नहीं है मुनि भी वंदना करते तीर्थ यात्रा भी करते हैं उपदेश भी देते हैं शास्त्र भी लिखते हैं तो उनकी तो दैनिक क्रियाएं तो सारे वो शुभ भाव ही हो रहे हैं फिर भी वो शुभ लाभ है या है वो पहले ही नक्की करते हैं तभी तो समय दर्शन हुआ था तो पुण्य को है ये जब कहते हैं छोड़ने लायक वो मान्यता की बात है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है कि तब तक शुभराग रूप प्रवर्तन करो कब तक जब तक पुण्य को छोड़कर आत्मा में लीन नहीं होते तब तक पुण्य करो कहा है उन्होंने परंतु
श्रद्धा ऐसी रखो कि ये मुझे छोड़ने लायक है। अब यही बात यहाँ, क्योंकि यहाँ तो आगे ऐसा लिखा है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लियो जग कीचन, यानी संयम धारण किए बिना जीव ये यानी मुनि दशा धारण किए बिना कोई अरिहंत और सिद्ध नहीं हो सकता, यानी इस संसार में से मुक्त नहीं हो सकता है। और हम इसके बिना, संयम के बिना, इसी जग कीच में, संसार रूपी जो कीचड़ है उसी में हम रूल रहे, तो ये संयम धारण करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु संयम के पूर्व में समय दर्शन है, फिर समय दर्शन पूर्वक आत्मस्थिरता है, यानी संयम का उपदेश है, उसमें ये समय दर्शन सहित वाला व्रत आदि पालने का यहाँ उपदेश दे रहे हैं। अब हम यही रुकते हैं। हाँ, कोई प्रश्न है आपका? जैसे हम पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रश्न है। अब महाव्रत और संयम अनुव्रत आदि की बात करते हैं, तो संयम के साथ उसका कोई वास्ता है कि नहीं है? तो देखो, हमने अभी जो बात की थी, मुनि राजों के तीन कषाय नहीं है और एक संज्वलन कषाय है, तो ये संज्वलन कषाय है तो उसका कार्य कुछ चल रहा है ना, तो कहते हाँ वहाँ मंद कषाय चल रहे हैं, शुभ राग है। कौन सा? 28 मूल गुण पालन करने का, अपनी भाषा में महाव्रत आदि पालन करने का, यानी जिसके अंतरंग में मुनि योग्य वितरागता है उनके बाह्य में महाव्रत हो गए ही हो गए। कोई ऐसा कहता है कि मैं घर में रहूंगा और घर में रहते रहते मुनि योग्य मेरे वितरागता हो गई है और मैं घर में रहते रहते भगवान हो जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। भले कोई अपने को आचार्य घोषित करे, भगवान घोषित करे, यहाँ कोई हुआ था ना आपके यहाँ वो शो, भगवान बन गया था वो, यानी वो तो क्या डिरेलमेंट हुई थी उसकी, अभी क्या कहें। ऐसे कोई अपने को कहने से क्या होता है, जिसके अंतरंग में मुनि दशा है, अंतरंग और बहिरंग दशा एक साथ उसका सुमेल होता है। ऐसा नहीं कि शरीर में नहीं तो शरीर की चाहे जैसी क्रिया होती रही, ऐसा नहीं है। ये सहज, इसको कहेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसके अंतरंग में मुनि दशा है उसमें बाह्य में ये निर्वस दिगंबर नग्न दशा होगी ही होगी। ये सारे 28 मूल वो क्या होते हैं उसका अभ्यास तो करना, ये तो यथायोग्य हो जाते हैं। और ये एक दो तिर्यंचों की बात नहीं, ऐसे असंख्यात तिर्यंच है। हमने करना योग पढ़े कहाँ है, उसमें तो सभी एक एक, वहाँ उनकी संख्या की बात है। पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव तिर्यंच समय दृष्टि है पंचम गुण स्थान। अरे नारकी में, नरकों में प्रत्येक नरक में असंख्यात जीव है सम्यक दृष्टि, सातवें में, छठे में, पांचवें, हर एक नरक, और उन्होंने तो वहां जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। देवों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, मनुष्य गिने चुने हैं क्योंकि मनुष्य होते ही संख्यात है, पर्याप्त मनुष्य तो उनमें थोड़े होते हैं, फिर भी हमने उसको ऐसा कुछ महंगा समझ लिया। हम कहते हैं हमारी लेवल की बात करो, ये सम्यक दर्शन हाई लेवल, ऐसा हाई लेवल नहीं है, वो तो बेसिक है, वो तो बेस है, उसके बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। लोगों को ऐसा ही कहना ना वो हाई लेवल है, हमारे लेवल की बात है, ऐसा नहीं है। तो अपना विषय हो चुका, बोलो 2400 भगवान।